नमस्कार, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं द खबरी बाबू। जैसा कि आप तो सभी लोग जानते हैं, कोरोना काल के बाद सैलानियों का बोध गया में आगमन बंद हो गया था। अभी फिलहाल विदेशी सैलानियों का आगमन तो नहीं है, लेकिन देशी सैलानी जमकर आ रहे हैं और लॉकडाउन का जो असर था अभी भी बोध गया वो देखने को मिल रहा है, झेलने को मिल रहा है। यहाँ बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, लेकिन विदेशी सैलानियों का जो गुलजार रहता था सैलानी सीजन में, अभी क्या है हालात की बोध गया में एक भी सैलानी विदेशी नहीं आ पा रहे कोविड-19 की वजह से। लेकिन देशी सैलानियों का यहाँ आगमन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और कोविड-19 प्रोटोकॉल को भी पालन कर रहे हैं। बहुत सारे सैलानी यहाँ पर मास्क वगैरह सैनिटाइज कर आ रहे हैं। यूँ कह सकते हैं कि धीरे धीरे बोध गया का भी जो सैलानियों का आगमन है वो स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है और एक बार फिर से जो पहली वाली जिंदगी थी, पहली वाली सैलानियों का आगमन होता था बोध गया में, आने की शुरुआत हो चुकी है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। बोधगया का महाबोधि मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है। प्रवेश के लिए गाइडलाइन का पालन होना अनिवार्य है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान मंदिर भी बंद कर दिए गए थे। विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर को भी लॉकडाउन के दौरान बंद कर दिया गया था। कई महीने बंद रहने के बाद सोमवार को यह मंदिर आखिरकार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया था। बोधगया में यही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हर साल देश विदेश से लाखों की संख्या में धर्मावलंबी यहाँ पहुँचते हैं। मंदिर खोलने को लेकर गाइडलाइन भी तय की गई है। वही महाबोधि मंदिर प्रबंधन समिति के सचिव एन दोजी ने बताया कि श्रद्धालु हर रोज सुबह 5 बजे से रात्रि 9 बजे के बीच मंदिर के गर्भगृह में पूजा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें वहां रुकने की इजाज़त नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मंदिर खोलने को लेकर गाइडलाइन भी तय की गई है। भगवान बुद्ध के 80 फीट के स्तूप को भी खोला गया। उन्होंने बताया कि महाबोधि मंदिर परिसर के पास स्थित भगवान बुद्ध के 80 फीट के स्तूप को भी आम लोगों के लिए दर्शनार्थ हेतु खोल दिया गया है। गौरतलब है कि करीब एक महीने पहले भी महाबोधि मंदिर को सुबह 6 बजे से 10 बजे और अपराह्न 3 बजे से रात के 9 बजे तक के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोला गया था, लेकिन यह समय भक्तों को कम पड़ रहा था। श्रद्धालुओं द्वारा आम दिनों की तरह ही मंदिर खोलने की मांग की जा रही थी। मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। महाबोधि मंदिर प्रबंधन समिति के सचिव एन दोर्जी ने यह बताया, कोरोना संकट को देखते हुए कुछ शर्तें भी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए मास्क और हैंड सैनिटाइजर का प्रबंध किया गया है। रिपोर्ट खबरी बाबू।